हे गाइस, वेलकम बैक प्रिया डॉट विक्रांत ब्लॉग। ये हमारी चूड़ी कैसी लग रही है आप लोगों ज़रूर बताना। और आज मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से तो हे गाइस, ये हमारे शहर का सबसे फेमस मंदिर है और हम लोग शाम को टहलने के लिए जाते हैं, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। और यहाँ देखिए बोटिंग वगैरह हो रही है, ये सब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जा कर के, बहुत सुकून मिलता है। बहुत फेमस मंदिर है, आप लोग जब भी दरभंगा आइएगा तो एक बार ज़रूर आइएगा श्यामा माई के दर्शन के लिए, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। मैं यहाँ माता रानी का दर्शन करवाया और भी माता के दरबार में बहुत अच्छे से माता रानी की आराधना कर रही थी। इसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से और यहाँ पे विक्रांत जी कुकू को लेके जा रहे हैं। फिर हम लोग एक आगे मनोकामना मंदिर है वहाँ जाएंगे, वहाँ का भी दृश्य आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ कुकू को देखिए कितना एंजॉय कर रही है, कितना मज़ा आ रहा था वहाँ पे, बोटिंग हो रहा था उसको पापा के साथ, बहुत उसको अच्छा लगता है बाहर घूमना। अब हम लोग जा रहे हैं मनोकामना मंदिर की तरफ जो कि बहुत अच्छा है, वहाँ जो मन्नत मांगिएगा पूरा हो जाता है बोलता है लोग, और बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। सॉरी गाइस, मंदिर का शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि मायरा इतना परेशान कर रही थी, वहीं पे एक छोटी सी पार्क थी तो मायरा इधर से इधर भाग जा रही थी, तो वहाँ पे बाइक वाइक सब था तो देखना पड़ रहा था, ध्यान देना पड़ रहा। देखिए यहाँ मायरा को स्लाइड पे कैसे आराम से बैठ गई, एकदम फिसलने के लिए तैयार है मायरा, यहाँ पे आराम से फिसल रही थी, मैंने हेल्प कर दिया क्योंकि मायरा भी बहुत छोटी है, 1 ईयर ओल्ड है, तो इसलिए मैंने हेल्प कर दिया यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे मायरा भाग रही थी, मायरा के पीछे पीछे एक बाबू क्यूट सी आई और मायरू इतनी प्यारी लगती है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो पीछे पीछे आई और उसके साथ वो भी इंजॉय करने। और ये क्यूट सी बेबी मुझे बोली कि आप ना मेरा एक बाबू के साथ पिक खींच दो, तो मैंने ये दोनों को पिक खींच दिया और ये दोनों खूब इंजॉय किया, खूब खेली मायरा उसके साथ। अब गाइज यहाँ पे मायरा का एक फिर से फ़ैन मिल गया, एक बड़ी सी दीदी उसको मिल गई और वो इतना उसके पीछे पीछे खेलने में मशहूर हो गई ना, इतना उसको मज़ा आ रहा। उसके बाद हम गए मॉल और देखिए मायरा की शरारत, मॉल में जाते ही मायरा कुछ ना कुछ सामान उठा लेती है और बदमाशी करना स्टार्ट कर देती है।